झांसी में जब चंद्रशेखर आजाद के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, तो आप हिम्मत देखिए, अंदाजा नहीं लगा सकते कि इतनी हिम्मत किसी व्यक्ति की हो सकती है। झांसी के जो पुलिस का बड़ा अधिकारी था, उस अधिकारी की गाड़ी के ऊपर ड्राइवर के रूप में चंद्रशेखर आजाद रहे। कहीं ऐसा आपको मिलना कोई सोच भी नहीं सकता, वो पुलिस वाला भी नहीं सोच सकता। जो ढूंढ रहे उन्हीं के पास खुद ही पहुंच गए। एक बार क्या हुआ, क्रांतिकारी पर्चा छपवाते थे और जगह जगह लगवाते थे, तो एक बार कुछ ऐसे ही पर्चे छपवाए गए अंग्रेजी सरकार के नीतियों के विरोध में, और पर्चे लगाने की बारी थी, तो पुलिस ने बहुत सख्ती की हुई थी। सब डर रहे थे कि पर्चे कहां लगाएं, चारों ओर पहरा लगा हुआ है। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि थाने के सामने पर्चा लगाते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद ने देखा कि थाने के सामने सिपाहियों का पहरा है। चंद्रशेखर आजाद गए, अपनी पीठ के ऊपर उल्टा पर्चा चिपकाया, सिपाही से बातें की, बातें करते करते दीवार के साथ सट गए, पर्चा दीवार से चिपक गया। सिपाही का ध्यान थोड़ा सा उधर हुआ, चंद्रशेखर आजाद खिसक लिए, और दो मिनट के बाद सिपाही देखता है कि थाने के सामने पर्चा लगा हुआ है। तो चंद्रशेखर आजाद, मैं आपको अगर बड़ा क्रांतिकारी बनना है, संकल्प को जगाना है, तो चंद्रशेखर आजाद की जीवनी आप जरूर पढ़ें। चंद्रशेखर आजाद ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका संकल्प था कि मैं जीते जी पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा, और वो 80 पुलिस वालों का 32 मिनट तक अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी को मुकाबला करते रहे। आप जानिए, पार्क के अंदर चारों ओर से घेरा हुआ है, 80 पुलिस वाले जिनके हाथ में राइफल है, और एक चंद्रशेखर आजाद जिनके पास छोटी पिस्तौल है, माउजर है, और उसके अंदर गोलियां भी पूरी नहीं है। उसने पूरे 32 मिनट तक मुकाबला किया, और मुकाबला करने के बाद भी वो हारे नहीं, उन्होंने खुद अपनी शहादत दे दी कि मुझे कभी भी जीते जी अंग्रेजों की कैद में नहीं जाना है। चंद्रशेखर आजाद 15 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आजाद ने एक बहुत बड़ा काम किया था। बनारस में जब विरोध चल रहा था 1921 में, 1922 में अंग्रेजों के विरोध का, सत्याग्रह का जब समय था, तो चंद्रशेखर आजाद उस समय 15 वर्ष के थे, तो बनारस की गलियों में वो भी विरोध कर रहे थे। पुलिस वालों ने उनको रोकने की कोशिश की, तो चंद्रशेखर आजाद ने भी प्रतिरोध किया। पुलिस वालों से उनकी झड़प भी होती थी, और वो उठाकर पुलिस वालों को पत्थर भी मार देते थे। 15 वर्ष की आयु में उनका इतना साहस था कि ब्रिटिश पुलिस के पुलिस वालों को पत्थर मार देते थे। तो एक बार ऐसे ही उनको पकड़कर अंग्रेजों की कोर्ट में लाया गया, और जज ने जब उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम के जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम महात्मा गांधी है। जब पूछा कि घर कहां है, तो उसने खुद उत्तर दिया कि मेरा घर जेल खाना है। तो अंग्रेजों के जज ने चंद्रशेखर आजाद को 15 कोड़ों की सजा दी। आप जान सकते हैं कि 10 से 15 कोड़े, उस समय जब सजा मिलती थी तो बड़े बड़े डाकू और डकैत भी कांप जाते थे कि 10 कोड़े लगेंगे तो हर कोड़े के साथ शरीर की चमड़ी उधर जाती थी। चंद्रशेखर आजाद ने कुछ तो डाकुओं को जब कोड़े लगाए जाते थे तो वो नशीला पदार्थ खा लेते थे या भय के से माफी मांग लेते थे। चंद्रशेखर आजाद को जब कोड़े लगाए जाने लगे, तो जल्लाद ने, जेलर ने कहा कि तुम माफी मांग लो, कोड़ों से बच जाओगे। तो चंद्रशेखर आजाद ने माफी नहीं मांगी, 10 कोड़े हंसते हंसते अपनी पीठ पर खाए, और हर कोड़े पर जहां भयंकर अपराधी रोता था, चंद्रशेखर आजाद भारत माता की जय बोलते थे। और 10 कोड़े खाने के बाद भी बड़े बड़े अपराधियों को, बड़े बड़े कद्दावर लोगों को उठाकर ले जाया जाता था स्ट्रेचर पर, चंद्रशेखर आजाद अपने कदमों से चलते हुए गए, और 15 वर्ष की आयु में बनारस जैसे शहर में एक पूरी सभा में उनको मेज के ऊपर खड़ा करना पड़ा, ताकि भीड़ उस बच्चे को, उस युवा को देख सके जिसने 15 वर्ष की आयु में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। चंद्रशेखर आजाद की मां जगरानी देवी, जो अंधी थी, चंद्रशेखर आजाद की शहादत के बाद भी जीवित रही।
और चंद्रशेखर आजाद की शहादत के बारे में उनको कभी बताया नहीं गया, कभी बताया गया तो उन्होंने कभी यकीन नहीं किया। तो चंद्रशेखर आजाद की मां से काफी समय बाद कुछ लोग उनके गांव में मिलने के लिए गए, तो उनकी मां से उन लोगों ने पूछा कि माताजी आपका खर्च कैसे चलता है। तो चंद्रशेखर मां की आजाद की मां ने उत्तर दिया कि एक समय कंदमूल उबालकर खा लेती हूं, कभी कुछ मिल जाता है तो खिचड़ी बनाकर खा लेती हूं। तो उन लोगों ने कहा कि आप तो शहीद चंद्रशेखर आजाद की मां हैं, सरकार की ओर से कुछ इंतजाम नहीं हुआ क्या? तो चंद्रशेखर आजाद की मां जो उत्तर देती है वो आप सबको अपने हृदय में रखना है। चंद्रशेखर आजाद की मां कहती है कि चंद्रशेखर आजाद, मेरे बेटे को कभी भी दो वक्त की रोटी नहीं मिली, मैं तो उसकी मां हूं, मुझे कैसे मिल सकती है? मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ, वो कोई मुझे सुविधाएं या पैसे या पेंशन दिलवाने के लिए शहीद नहीं हुआ, देश के लिए शहीद होकर चंद्रशेखर आजाद ने कोई एहसान नहीं किया, ये एक मां कह रही है, बल्कि अपना फर्ज निभाया। एक मां के लिए नहीं चंद्रशेखर आजाद, देश के करोड़ों लोगों की मां के लिए, भारत माता के लिए जिया। जिस मां के हृदय में ऐसे भावना हो तो उसकी कोख से ऐसे बेटे ही जन्म लेंगे। और भाइयों और बहनों, आजादी के 65 वर्षों बाद भी आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूज्य स्वामी जी महाराज ने जैसा कहा, पूज्य स्वामी जी महाराज दोनों स्थानों पर, बदरका और भावरा, दोनों स्थानों पर चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि देने के लिए गए, वहां पर कार्यक्रम भी रखा गया। आज बड़े बड़े राजनेताओं की बात करें तो वो लोगों को खुश करने का काम तो करते हैं, लेकिन शहीदों को याद करने का काम नहीं करते। अब एक अंतिम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और उस बात को सुनकर आपकी आंखों से पीड़ा के आंसू निकलेंगे। शहीद चंद्रशेखर आजाद, जिनके खुद का तो कोई बेटा बेटी नहीं था, लेकिन उनके मामा की तरफ से जो उनके वंशज हैं, आज वो दिल्ली में ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के मामा के परिवार से जो उनके नजदीकी वंशज हैं, चंद्रशेखर आजाद का जो भतीजा लगता है रिश्ते में, वो ऑटो चलाने का काम दिल्ली की सड़कों पर कर रहा है। ये अपने भारत देश की, अपनी आजादी की इन 70 वर्षों की उपलब्धि है। तो भाइयों और बहनों, इसी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर यह संकल्प लेते हुए कि हमें शहीद चंद्रशेखर आजाद ने जैसा भारत देखा उस भारत को बनाना है, और उस भारत को बनाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है, पूज्य स्वामी जी महाराज के रास्ते पर चलकर इनके मार्गदर्शन में हम संकल्प लें कि शहीदों ने जो भारत देखा था उस भारत को बनाकर हम दम लेंगे, उसके लिए चाहे हमें प्राणों को न्योछावर करना पड़े तो उसके लिए तैयार रहेंगे।